हनुमान चरित्र में आगे आता है कि मृग चर्म और चिटामुकुट से सुवसित सजल जलद वपू श्री भगवान श्री राम गुफा के द्वार पर एक शिलाखंड पर बैठे हुए उदास मन से पक्षियों को देख रहे हैं। दूर से शांत मूर्ति से रघुनाथ जी का दर्शन होते ही सुग्रीव और विवेक रथ से उतर पड़ते हैं। सुग्रीव तीव्र गति से प्रभु के समीप पहुँचे और अबोध बालक की तरह प्रभु पद में गिर कर सिसकने लगे। दयामूर्ति राम ने उन्हें तुरंत उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और फिर अपने समीप बैठाकर भी प्रेमपूर्वक उनका कौशल पूछने लगे। सुग्रीव ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रतापूर्वक कहा, प्रभु मेरा कोई दोष नहीं है, उसकी माया ही अत्यंत प्रबल है, इससे तो उसकी आपकी कृपा से ही पार पाया जा सकता है। मैं तो अतिशय भोगासक्त पामर पशु हूँ, आप मुझ पर कृपा कीजिए और करुणा कीजिए स्वामी। करुणा में श्री राम वानरराज सुग्रीव के मस्तक पर अपना कर कमल फेरने लगे। उसमें कोटि कोटि वीर वानर बालों का समूह आता हुआ दिखाई पड़ा। उन्हें देख सुग्रीव ने श्री रघुनाथ से कहा, हे प्रभु, ये समस्त वानर बालू आपकी आज्ञा के पालक हैं, फल मूल आदि खाने वाले हैं। ये रीछ के अधिपति जामवंत अत्यंत बलवान अद्भुत विधा एवं परम भक्ति बुद्धिमान ये 1 करोड़ भालुओं के यथापति और ये मेरे मंत्रियों के अग्रगण्य हैं। इनके अतिरिक्त नल नील और गवाक्ष गंधमादन सर्व गेंद गज पनस बलिमुख दधिमुख सुवेशसेन तार और हनुमान के लिए महाबली और परम धीर केसरी ये मेरे प्रधान युद्धपति है। इनके अधीन पर्वत तुल्य विशाल का कोटि कोटि वानर भी रहिए, सबके सब युद्ध में आपके लिए संघर्ष प्राण दे देंगे, आप इन्हें इच्छा अनुसार ही आज्ञा दीजिए। सर्वशक्तिमान श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव की कहकर, सुग्रीव तुम मेरा कार्य करने इतने जानते ही हो, यदि ठीक समझ तो इन्हें यथाशीघ्र जानकी की खोज के लिए भेज नियुक्त कर दो। सुग्रीव ने समस्त उत्पत्तियों को सावधानीपूर्वक सर्वज्ञ श्री सीताराम जी का पता लगाने के लिए श्री सीता जी का पता लगाने के लिए आगे देते हुए कहा, मेरी आगे से तुम सब लोग बड़े प्रयत्न से खोज करो और 1 मास के भीतर ही लौट आना हो। यदि सीता जी को बिना देखे तुम्हें 1 मास से 1 दिन भी अधिक हो जाएगा तो हे बांधवों याद रखो, तुम्हें मेरे हाथ से प्राणदंड भोगना पड़ेगा। इस प्रकार सुग्रीव बांधवों और भालुओं की युद्धपतियों की सीता का शीघ्र पता लगाने के लिए कठोरतम आदेश प्रदान किया। उन्होंने समस्त दिशाओं में अनेक बांधवों को भेजकर दक्षिण दिशा में अधिक प्रयत्न के साथ महाबली युवराज अंगद जामवंत हनुमान जल नुले सुसेन सरभ भेंद और द्विद आदि को भेजा। उसमें उन्होंने वीरवर हनुमान जी की प्रशंसा करते हुए उनसे कहा, कपिश्रेष्ठ, प्रति अंतरिक्ष आकाश देवलोक अथवा जल में भी तुम्हारी गति का अवरोध में कभी नहीं देख सकता। असुर गंधर्व नाग मनुष्य देवता समुद्र तथा पर्वत से संपूर्ण लोगों का तुम्हें ज्ञान है। वीर महाकवि सर्वत्र आबाधित गति वेग तेज और स्फूर्ति ये सभी सद्गुण तुम्हें अपने में महाप्रखंडता युवा के ही समान है। इस भूमंडल में कोई भी प्राणी तुम्हारे तेज के समान करने वाला नहीं है, अतः जिस प्रकार से सीता जी के उपलब्धि हो सके वह उपाय तुम ही सोचो। हनुमान जी तुम नित्य शास्त्र के पंडित हो, एकमात्र तुम ही में बल बुद्धि पराक्रम देश काल का अनुसरण और नित्य पूर्ण प्रताव एक साथ देखे जा सकते हैं। इस प्रकार श्री पवनपुत्र का गुणगान करते हुए समस्त वानराजों को श्री सीता वैष्णव आदेश देकर सुग्रीव श्री रघुनाथ जी के साथ बैठ गया। वीर बांधव भालु कमलेन श्री राम जी के चरणों में प्रणाम करके जाने लगे। सबके अंत में जब हनुमानपुत्र पवनपुत्र के प्रभु के पास पहुँचे तब भगवान श्री राम ने उनसे कहा, वीरभद्र तुम्हारा उद्योग धैर्य एवं पराक्रम और सुग्रीव का संदेश इन सब बातों पर लगता है, इनसे तुम मेरे कार्य में सिद्ध होगे। तुम मेरी ये अंगूठी ले जाओ, इस पर मेरा नाम अक्षर हृदय में है, इसे अपनी परिचय के लिए तुम एकांत में सीता जी को देना। कपिश्रेष्ठ कार्य में तुम्हें समर्थ हो, मैं तुम्हारा बुद्धि बल अच्छे से जानता हूँ, अच्छा जाओ, तुम्हारा मार्ग कल्याण में हो। पवनपुत्र के इस प्रभु की बुद्धि का अत्यंत आदर्शपूर्वक अपने पास रख ली और उनके चरण कमलों में अपना मस्तक रख दिया। भगत वस्त्र प्रभु का कर कमल स्वतः उनके मस्तक पर चला गया और बड़ी कठिनाई से हनुमान जी उठे। प्रभु चरणों की पावनतम धूलि उन्होंने माथे चढ़ाई और प्रभु की निखलापन पावन दिव्य मूर्ति को हृदय में धारण कर भी उत्साहपूर्वक उतर पड़े। उनकी जीवा से श्री राम नाम अखंड जप होता जा रहा था। आजनीय वानर जल के साथ भगत सीता जी को ढूंढते हुए विंध्याचल के गहन वनगण में पहुंचे। उस निबड़ वन में कंटन काकीर ने सुखे वृक्षों के अतिरिक्त
जिनका कहीं नाम भी नहीं था। वानर भालों समुदाय इधर उधर भटकते रहते थे, प्यास से सिरपता लगा, उन्हें जल कहीं दिख नहीं रहता। तृषा तक थे उनके कंठोरे ताल सूख रहे थे, किंतु ज्ञानी गगन ने संकट मुझे आने नहीं उनके साथ। उन्होंने धैर्यपूर्वक चारों ओर देखा, कुछ ही दूरी पर उन्हें तृण गुल्म और लतादी वृक्ष ढकी एक विशाल गुफा दिखाई दी। उनमें हंस कौच सास और चक्रे आदि पक्षियों को निकलते देखा। उन पक्षियों के पंख भिगे हुए थे, इसे अनुमान उन्होंने सबको वहाँ पहुँचने के लिए कहा। दुर्गम वनों के जाता हुआ पवित्र श्री हनुमान जी के साथ वहाँ भालुओं के समुदाय का एक दूसरे के साथ पकड़े हुए धीरे धीरे उस गुफा में प्रवेश किया। गुफा में कुछ दूर गहन अंधकार था, तो आगे जाते उन्हें निर्मल जल से वे सरोवर एवं सात तला ताल तमाल नाग के साथ अशोक चंपा नाग वृक्ष कनेर आदि पुष्प का सुमुद्र फलों से लदे वृक्ष भी देख पड़े। इतना ही नहीं, वहाँ उन्होंने अद्भुत वस्त्रांकार सहित एक अत्यंत सुंदर भवन भी देखा, जहाँ दिव्य भक्ष्य भोज्य सभी सामग्रियाँ प्रचुर मात्रा में उपस्थित थी। किंतु वहाँ स्वर्ण सिंहासन पर एक अतन्य लावण्य ब्राह्मणी को अपनी सिया पर रलकल और कृष्ण वृक्षारम चर्म धारण किए हुए ध्यानमग्न बैठे देखा। वे एक दूसरे का मन की ओर ताकने लगे। उस ध्यानमग्न योगिनी ने शरीर से तेज प्रस्थित प्रकाशित हो रहा था। भयाकंत बंदरों ने उसके चरणों में अत्यंत प्राण श्रद्धा से प्रणाम किया। तुम लोग कहाँ से आए हो? उन महाभाग ने बंदरों को प्रणाम करते देखकर अत्यंत शांतचित से मधुर वाणी में पूछा, तुम कौन हो और किस उद्देश्य से दुर्गम स्थानों में विचरण कर रहे हो? मेरे स्थान का वो नष्ट क्यों कर रहे हो? तो आदरणीय परम आदरणीय देवी विशाल का हनुमान जी ने अत्यंत विनम्रता से कहा, अवध नरेश दशरथ के पुत्र श्री राम अपने पति पिता की आज्ञा से पालन करने के लिए अपनी धर्मपत्नी जनक नंदिनी श्री जानकी का और भाई लक्ष्मण के साथ वन में पधारे। वहाँ उनकी परम साध्वी पत्नी को लंका जी रावण हर ले गया। सुग्रीव श्री राम जी से मैत्री होने के कारण हमें श्री जानकी की खोज करने की आज्ञा दी है। इसी शुभ अवसर कार्य के लिए हम इधर आए हैं। सुदापी पास से अत्यंत वकुल होकर हम इस पवित्र गुफा में प्रविष्ट हुए हैं। हनुमान जी ने कहा, पुण्य कहा, देखो देवी आप कौन है? आप कृपा करके हमें भी अपना परिचय दीजिए। मेरा अहो भाग्य तथा पुता योगिनी हनुमान जी ने कहा, आज मेरी तपस्या सफल हो गई, मैं आनंद की सीमा नहीं है। सर्वथा निश्चित होकर तुम लोग सर्वप्रथम इच्छे मधुर फलों का आहार करो और मृगमलय जल पान करो एवं तप तो कर मेरे पास बैठकर विश्राम करो, तब मैं तुम लोगों को अपना वृतांत सुनाऊंगी। श्री हनुमान जी बंदरों से मधुर फल खाकर एवं शीतल जल पीकर तृप्त और प्रसन्न हो गए। फिर योगिनी के पास भी आकर विनयपूर्वक बैठ गए। पूर्व काल की बात है कि भक्ति में देवी ने बानरों सहित हनुमान जी को बताया कि विश्वकर्मा की हेमा मामक एक अत्यंत सुंदर पुत्री थी। उसके अद्भुत नृत्य से संतुष्ट होकर आशुतोष ने उसे विशाल दिव्य नगर रहने के लिए दे दिया। यहाँ वह शस्त्रों पर शतक रही, वह मेरी प्राण प्रिय सखी थी। ब्रह्मलोक को प्रयाण करते समय उसने मुझे वास्तविक मुख क्षीर वाहिनी श्री विष्णु की अत्यंत उपासिका समझकर प्रेमपूर्वक मुझसे कहा, सखी स्वयं प्रभा तुम इस एकांत स्थान में तपस्या रहकर तप करो। चेता में स्वयं श्री नारायण भूभार बढ़ने के कारण के लिए अवध नरेश दशरथ के पुत्र के रूप में भाग्यवान श्री धर्मपत्नी कौशल्या के गर्व से प्रकट हो गए। वे धर्म स्थापना एवं दुष्टों को विनाश करने के लिए वन में भ्रमण करेंगे। उनकी परम सती पत्नी को ढूंढते हुए कुछ बंदर इस गुफा में तुम्हारे पास आएंगे। तुम भक्ष्य भोज्य एवं मधुर से उनका स्वागत कर उनका परम प्रभु श्री राम जी के पास ले जाना। उसके बाद दर्शन करके उनसे प्रीतिपूर्वक प्रार्थना करना। उनकी दया से तुम योगी दुर्लभ श्री विष्णु के आनंदमय नित्य धाम में चले जाओगी। अत्यंत कृतज्ञतापूर्वक श्री हनुमान जी की ओर देखती हुई तपस्विनी का पुनः कहा, मैं दिव्य नामक गंधर्व की पुत्री स्वयं प्रभा हूँ। आज तो यहाँ तुम लोगों को पवित्र चरण पड़ने से मेरा भाग्य सूर्य उदित हुआ है। अब मैं अपने प्राणायाम प्राणराम परम प्रिय प्रभु श्री भगवान के राम के दर्शनार्थ आने के लिए तैयार तो हो रही हूँ। तुम लोग अपने अपने नेत्र बंद कर लो, तुरंत सुगुफा से बाहर पहुँच जाओगे। तुम सीता जी का पता लगा जाओ, निराश मत हो। महाभाग स्वयं प्रभा आदेश अनुसार बानर भालू लोग सब ये विशाल समुद्र नेत्र बंद करने के ये गुफा के बाहर आलने में पहुँच गए। और आगे कथा श्री हनुमान से सुनो तब तक के लिए बोल बजरंगबली की।